नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आइए देखते हैं 20 मिनट में 20 खबरें। एमपी में सीएम के आदेश के बाद प्रशासन की सख्ती शुरू हो गई है। खुले में मांस बेचने पर नगर निगम की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। राजधानी भोपाल से लेकर खंडवा और आर्थिक राजधानी इंदौर से लेकर अन्य शहरों में चालानी कार्रवाई की जा रही है। भोपाल में निगम ने पिछले दो दिनों में 154 विक्रेताओं पर चालानी कार्रवाई की। राजधानी में अब तक 69 जगहों पर खुले में मांस मछली बेचने के मामले में लगातार अपडेट आ रही है, तो वहीं बिना लाइसेंस के चल रही 6 दुकानों को भी बंद करने की कार्रवाई हुई है। खंडवा में नगर निगम की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची। खुले में मांस मछली बेच रहे 4 दुकानदारों से जुर्माना वसूला। बताया जा रहा है कि खंडवा में सिर्फ 33 दुकानदारों के पास ही लाइसेंस है, बाकी की दुकानें अवैध रूप से चलाई जा रही है। इंदौर में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। ये हादसे वाली सड़क है, जरा संभल कर चलिए। देख ही रहे हैं कैसे मिनटों में हादसा हो रहा है। ये दुर्घटना ग्वालियर में हुई, जहां एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना खतरनाक था कि बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसका सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बाइक सवार सामने की ओर से आ रहा था। उसके दाईं तरफ से एक कार आती, जिसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि देखकर लग रहा है मानो हवा से बातें कर रही है। ये कार बाइक सवार को टक्कर मारती है, बाइक सवार दूर जा गिरता है, मौके पर दम तोड़ देता है। ये दुर्घटना की तस्वीर झांसी रोड थाने के सिथौली रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है। आगर मालवा के सुसनेर नगर में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां दो ट्रकों की हुई आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में दो अन्य वाहन भी बताए जा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई गई है। ये हादसा आगर मालवा के नेशनल हाईवे पर स्थित डाक बंगला चौराहे के पास हुआ। हादसे के दौरान सड़क पर खड़ी हुई कार भी चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी कि उसमें विस्फोट भी हो गया था। साथ ही लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई गई। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश में जुट गई। लोगों का आरोप है कि आग लगने के लगभग आधे घंटे के बाद भी नगर परिषद का दमकल मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में काफी नाराजगी है। मुरैना से मारपीट की तस्वीरें सामने आई, जहां शिक्षा विभाग के बीआरसी कार्यालय में जमकर लातघूसे चली। दफ्तर में एक व्यक्ति को इतना पीटा कि अधमरा कर दिया। वीडियो सामने आया है, इसमें देखा जा सकता है कि बीएससी को दफ्तर में घुसते हुए पिटाई की जा रही है। इस शख्स ने शिक्षा विभाग के बीआरसी की शिकायत की थी। इसके बाद शख्स आग बबूला हुआ, दफ्तर में जमकर मारपीट की गई। घटना जौरा थाना क्षेत्र के बीआरसी कार्यालय की गनीमत यह रही कि ऑफिस में मौजूद अन्य लोगों ने बीच बचाव कर लिया, वरना इस मारपीट में बड़ा नुकसान हो सकता था। अब इस मामले में शिकायत की गई है। पूरे मामले में मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस जुटी है। उज्जैन के सराफा बाजार स्थित बंसल हैंडलूम की दूसरी मंजिल पर आग लग गई, जिसके बाद पूरे बाजार में भगदड़ मच गई। जब लोगों ने हैंडलूम के ऊपर दूसरी माला से धुआं उठता देखा तो तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुट गईं। शाम को लगी आग रात 11:30 बजे तक जलती रही। आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाए हैं। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नवागत मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए जगह जगह क्षेत्र में मंच बनाए गए थे और उनके रोड शो का स्वागत किया जा रहा था। इसी दौरान आतिशबाजी भी की गई थी। आशंका जताई जा रही है कि आतिशबाजी के दौरान पटाखे की चिंगारी की वजह से आग लगी, लेकिन अभी तक आग लगने की सही पुष्टि नहीं हुई है। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया।
आर्थिक राजधानी इंदौर में एनआरआई समिट का आयोजन किया गया। इस समिट में 40 देशों के 250 मेहमान हिस्सा लेने पहुंचे। समिट का आयोजन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हुआ, जो दो सत्रों में हुआ, जिसमें कई विषयों पर मंथन हुआ। विदेश में बसे इंदौरी कैसे अपने शहर के लिए योगदान दे सकते हैं, इस मुद्दे पर बात हुई। तो वहीं विदेशों से आए मेहमानों ने विश्राम बाग में बने अयोध्या श्री राम मंदिर का मॉडल को विजिट किया। तो वहीं मेहमानों के लिए पोहा पार्टी हुई। समिट में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी और इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव मौजूद रहे। मीनाक्षी लेखी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने पहुंची। नेताजी को मंच से लंबे लंबे भाषण देते हुए कई बार सुना होगा। क्या चुनाव में प्रचार के दौरान कई तस्वीर भी सामने आई थी, जिसमें कई नेता पूरी तलते और रोटियां सेकते नजर आए थे। वहीं चुनाव के बाद भी एक विधायक जी ऐसे हैं जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए चार्ट बनाते नजर आए। वो है पिपरिया के विधायक ठाकुरदास नागवंशी, जो चौथी बार जीतकर विधानसभा पहुंचे। कहा जाता है कि किसी भी नेता की जीत में उनके कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका होती है, और जब नेताजी जीत कर आते हैं तो उनका भी दायित्व होता है कि वे अपने कार्यकर्ता को धन्यवाद कहें। नर्मदापुरम के पिपरिया विधानसभा से चौथी बार विधायक बनने ठाकुरदास नागवंशी ने जीत के बाद कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कहा। बकायदा इसके लिए उन्होंने चाट पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने अपने हाथ से चाट बनाकर कार्यकर्ताओं को खिलाई। अब विधायक जी की इस अनूठी पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भोपाल रेल मंडल से चलने वाली करीब 38 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 27 दिसंबर से अगले साल के 6 जनवरी तक ट्रेनें निरस्त रहेंगी। अब जब आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो कुछ ऐसी ही आवाज सुनाई देगी, जिसमें आप थोड़े परेशान भी होंगे, क्योंकि रेलवे ने फैसला लिया है। भोपाल रेल मंडल में रामगंज मंडी भोपाल के मध्य संत हिरदानाम नगर स्टेशन पर रेलवे मेंटेनेंस का काम किया जाना है, जिसके लिए इस रास्ते से होकर गुजरने वाली 38 गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। तो वहीं दो ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया गया। मतलब साफ है कि नए साल का कुछ प्लान है तो अभी से अपने टिकट अन्य संसाधनों से बुक कर लें। वहीं किन किन ट्रेनों को कैंसिल किया है, इसके लिए आप रेलवे के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, जो चरमराई व्यवस्था की कहानी कह रही है। तस्वीर रायगढ़ के जिला अस्पताल की, जहां शराबियों का अड्डा है। यहां पर आप बियर और शराब की बोतलों का ढेर देख सकते हैं। अस्पताल में सुरक्षा में लापरवाही भी देखी जा सकती है, जहां आपको लोग शराब पीते दिख जाएंगे। अस्पताल अपनी अव्यवस्थाओं और साफ सफाई को लेकर चर्चाओं में है। अब जरा सोचिए, अस्पताल ही कूड़े का ढेर नजर आए तो फिर मरीज कहां जाए। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मंडावी ने गलती स्वीकार भी की, अस्पताल की सुरक्षा और साफ सफाई की व्यवस्था को जल्द सुधारने का आश्वासन दिया है। शादियों का सीजन है और हर तरफ बैंड बाजों और बारात का शोर है। वर वधु से लेकर उनके माता पिता तक शादी को यादगार बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन मुनैरा में एक अनोखी शादी हुई, जो सिर्फ 11 रुपए में संपन्न हुई। दूल्हा दुल्हन को दहेज और शादी की फिजूल खर्ची से नफरत है, इसलिए दोनों ने अपने माता पिता को राजी किया और अपर कलेक्टर न्यायालय में परिवार के सामने कोर्ट मैरिज की। आपको बता दें कि दूल्हा राहुल दौनेरिया रविदास नगर का रहने वाला है। दूल्हा इंजीनियर है तो दुल्हन दीपाली एडवोकेट है। राहुल और दीपाली ने एडीएम न्यायालय में कहा कि वो दोनों संविधान को मानने वाले हैं, इसलिए किसी रस्म रिवाज के बजाय वो संविधान के नियम कायदों के हिसाब से शादी करना चाहते हैं। दूल्हा दुल्हन ने बताया कि उनकी शादी से परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नाराजगी नहीं है। इसके बाद एडीएम सीबी प्रसाद ने दीपाली व राहुल की शादी को भी कानूनन मान्यता दे दी है।
सीधी का संजय टाइगर रिजर्व बाकू की चहलकदमी से इन दिनों गुलजार है। यहां बाघिन T29 दुबरी वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में चहलकदमी करते नजर आए, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। बाघिन के जंगल में चहलकदमी के मनमोहक वीडियो सामने आए हैं, जिसमें बाघिन अपनी मस्त चाल में जंगल में धूप के साथ सफर करें। सुबह की सवारी करने पहुंचे पर्यटकों ने वीडियो अपने कैमरे में कैद किया। पर्यटक नजदीक से बाघिन का दीदार कर उत्साहित हो उठे। इस टाइगर रिजर्व में संजय राष्ट्रीय उद्यान और दुबरी वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। दोनों 831 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल को कवर करते हैं और सीधी जिले में ही स्थित है। ये क्षेत्र अपने बड़े आकार और समृद्ध जैव विविधता के साथ ही प्रसिद्ध है, जहाँ इन दिनों बाघिन T29 का जलवा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नए साल के जश्न को लेकर पर्यटकों में टाइगर सफारी का खुमार देखने को मिल रहा है। वैसे तो 2024 आने में अभी करीब 2 हफ्ते का वक्त है, लेकिन सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के सभी एंट्री टिकट पूरी तरह फुल हो गए हैं। पेंच टाइगर रिजर्व में नए साल का जश्न मनाने आने वाले पर्यटकों ने टिकटों की एडवांस बुकिंग करा ली है। नए साल का पूरा वीकेंड फुल हो चुका है। पेंच टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पेंच टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में प्रतिदिन 99 गाड़ी सफारी के लिए प्रवेश करते हैं। सभी गाड़ियों के टिकट बुक हो चुके हैं, केवल बफर क्षेत्र के ही टिकट बाकी बचे हुए हैं। पर्यटक वहां सफारी का आनंद उठा सकते हैं। साथ ही पेंच टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर ने पर्यटकों से ऐसे बिचौलिए एजेंटों से भी सावधान रहने की अपील की, जो बुकिंग फुल होने के बाद भी टाइगर रिजर्व में एंट्री टिकट दिलाने का वादा कर रही हों, अन्यथा उनके साथ किसी तरह का फ्रॉड हो सकता है। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है, जिसकी वजह से आए दिन फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। एक बार फिर प्रदेश के 2 जिलों में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। अब आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर बलरामपुर की है। यहां 13 हाथियों के दल ने रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में डेरा डाला है। हाथियों ने हरिहरपुर छतावा गांव में फसलों को नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों में दहशत है, लोगों से जंगल में नहीं जाने की अपील की जा रही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर पेंड्रा की है, जहां 2 हाथियों के दल ने डेरा डाला है। ये हाथी रात होते ही जंगलों से गांव की ओर पहुंच जाते हैं। घुसरिया और पनरी क्षेत्र में घूम रहे हाथी फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। रामलला के नवनिर्मित मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 की होगी। इसके लिए निमंत्रण देने का काम चल रहा है। इसी कड़ी में राजधानी में अक्षत कलश के वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस यात्रा के माध्यम से लोगों को निमंत्रण दिया गया है। अक्षत कलश का राज्य के विभिन्न शहरों में भव्य स्वागत किया गया और शोभा यात्रा निकाली गई। 17 दिसंबर को रायपुर के सभी बस्तियों में और 24 दिसंबर को सभी मोहल्लों में बैठक कर कलश यात्रा, प्रभात फेरी जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सालों से एक मान्यता चली आ रही थी, जो कल रात टूट गई, वो मिथक जिस पर विराम लग गया। महाकाल नगरी में डॉक्टर मोहन यादव का जत्था पहुंचा। भारत संकल्प यात्रा के उद्घाटन समारोह में शामिल होने सीएम उज्जैन पहुंचे तो कयास लगाए जाने लगे कि कहीं आज सालों से चला रहा एक मिथक टूट न जाए। कुछ ने कहा कि नहीं टूटेगा, कुछ ने कहा ये नए सीएम है और इनका हर काम का नया तरीका है, तो टूटेगा जरूर। दोपहर में सीएम का जुलूस निकला, शाम ढलने लगी, लोगों को लगा सीएम अब रवाना होंगे, लेकिन वो मिथक जो सालों से चला रहा था वो टूट गया। सीएम महाकाल नगरी में रुके और इनके साथ सारे कयासों पर विराम लग गया। राजा तो सिर्फ एक ही हैं और वो महाकाल हैं, हम सब उनके बेटे हैं। ये तो मिथक की बात हो गई, लेकिन ये मिथक शुरू कहां से हुआ, क्यों उज्जैन में कोई सीएम नहीं रुकते थे, सीएम ने यह भी बता दिया। ये तो सीएम साहब कह रहे हैं। वैसे मान्यता ये भी है कि महाकाल की अपनी एक परिधि है, इस परिधि से किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री या राजघराने से जुड़ा व्यक्ति दूर रहता है।
वैसे उज्जैन सीएम का गृह नगर है। वो यहीं खेले और पढ़े, यहीं से सियासत की शुरुआत की और महाकाल के आशीर्वाद से सीएम बने और उज्जैन में रात्रि विश्राम करके उन्होंने मिथक को तोड़ दिया।